हेलो एवरीबॉडी, आज की जीरो पीरियड की ये वीडियो IMO या NTSC जैसे एग्ज़ाम में अपियर होने वाले बच्चों के लिए बड़ा यूज़फुल हो सकता है। वो बच्चे जो क्लास 7th, 8th या 9th, 10th लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह के किसी एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, लाइक IMO, NTSC, NSO, NCO या इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तो वहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस देख पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे क्विकली सॉल्व करें हम, क्योंकि थ्रू द मेथड अगर आप जाते हैं तो इट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर आपको टाइम सेव करना है, थोड़ा सा क्विकली करना है, एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखनी है, तो उसके लिहाज से ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे बच्चे ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरा सजेशन है कि इस मेथड को, जो कोई बहुत अलग सा मेथड नहीं होगा, आप जो यूज़ कर रहे हैं वही है, बस आपके थोड़े से थॉट प्रोसेस पे आप अगर वर्क करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन पे बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइंस ईच ऑफ विच आर 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक, रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो रहा है, बात यह है कि आपको अल्टीमेटली बात कर रहा है वो सिलेंडर की, वो कुल मिला के सिलेंडर की बात कर रहा है। एक तरीके से दूसरा तरीका का सिलेंडर आपको बनाना चाह रहा है, मतलब अगर मैं एक कॉइन रखूँ, दूसरा कॉइन रखूँ, ऐसे इनको करके वो एक सिलेंडर बनाना चाहता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि वॉल्यूम जो होता है वो अनचेंज रहता है। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो अनचेंज रहती है, तो आपको पूरा इसी पे फोकस रखना है, ये वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहेगी। तो आपको नंबर ऑफ क्वाइंस चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वाइंस आपको अगर निकालना है तो आप V1/V2 कर लें। V1 में जो आपका बड़ा वॉल्यूम है, मतलब जो सिलेंडर आपको बनाना है उसकी वॉल्यूम लेंगे तो पाई आर, आर मतलब कितना, फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आर इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, आर की जगह क्या कर रहे हो, डायमीटर दे दिया, तो ठीक है डायमीटर को आप हाफ कर लें। तो आप इसको अगर करेंगे तो 4.5 है अपॉन 2 ही करेंगे। अभी आपको मैं रूटीन तरीका बता रहा हूँ, आप इसको कैसे आगे जाएंगे वो आप थोड़ा आगे देखेंगे। पाई आर स्क्वायर और एच इसका 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक और देख लें कि इनमें जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैंने देखा कि सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में ही दिए हैं, तो यूनिट का कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नीचे दूसरे का वॉल्यूम लेता हूँ, तो एक जो क्वाइन है उसको आप एज ए सिलेंडर ही ट्रीट करेंगे। एक जो क्वाइन है ना वो एक सिलेंडर की तरह ही ट्रीट होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसका शेप को हम सर्कल नहीं मान सकते, 3 डायमेंशन शेप है तो उसको हम सिलेंडर मानते हैं। अब इसका जो रेडियस है वो है 1.5, अब 1.5/2 है ये हो जाएगा, और इसका जो हाइट है वो है ईच ऑफ पिच आर 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक, ये जो थिकनेस है यही इसकी हाइट होगी, तो यहाँ लिखेंगे 0.2। ये कुछ इस तरह का हो गया। इतना करने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ से समझनी है कि आप कैसे अपने कैलकुलेशन को क्विकली करेंगे। तो पहले तो आप पाई यहीं काट लें, इसको अलग से वैल्यू पुट करके फिर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखिए, यहाँ अपान टू है, यहाँ भी अपान टू है और दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो आप टू को यहीं काट दीजिएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में डेसिमल लगा है, दोनों का डेसिमल आप हटा दें। 15 × 15 और 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, आपका ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया। इसमें डेसिमल लगा है, यहाँ आप एक जीरो लगाएं, 2 से इसको काट दें 50 बार, ठीक है। अब ये 50 है और ये 3 का स्क्वायर है, ध्यान रखिए 3 का स्क्वायर कहने का मतलब ये 9 है और ये 50 है, 9 × 50 = 450 आपका आंसर आया। आप ऑप्शन ए में जा करके टिक लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बन गया। अभी इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट्स लगे हैं, जबकि मैंने इस 3 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अपना प्रीफेस बताया है, क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर आप इसको इस मेथड के साथ फॉलो करते हैं तो 30 to 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर्स, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6
देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36, वन ऑफ द नंबर इज 12, व्हाट इज द अदर नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये वर्ड डायरेक्ट इसने यूज नहीं किया है बट अल्टीमेटली एलसीएम और एचसीएफ पे ही बेस्ड है। तो आप इसको एलसीएम और एचसीएफ के एक जो फेमस फार्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर वन इंटू नंबर टू, ये कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए, आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या क्या दिया देख लें, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, मतलब आपके पास एचसीएफ दिया है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36, आपके पास एलसीएम दिया है। नंबर वन आपका 12 है, नंबर टू मुझे नहीं पता, जो मुझे निकालना है। अब आपको कैंसिल करना है, कोई ट्रांसपोज मत कराइए, यहीं से काटिए, 12 एकम 12, 12 तीस 36 और 6 तीस 18, एन टू जो है आपका 18 आ गया। आपका दूसरा नंबर जो होगा 18 होगा, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए को आप टिक कर दें, आंसर आपका 18 आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये एक्चुअल में 6-7 के पे बेस्ड है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पाओगे, आईएमओ में भी मिलता है, एनटीएससी में भी मिलता है, और जो नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये सबका सम निकालना, ये सब ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है आपको दिख रहे होंगे बुक आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन आपके पास 720, 360, 540 और 180 का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि वो 360 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, आसानी होगी। इसके अलावा आपको एक पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट, अगर ये पता है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको। तो ये तीन चीज़ें अगर आप जान रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वन बाय वन हम बात करते हैं। यहाँ पे तीन एंगल होने चाहिए, ट्रायंगल है तो एक एंगल यहाँ पे कुछ होगा। मान लो इस एंगल को मैंने एल माना, मान लो, तो ये तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट बचता है, ये एंगल अगर एल है तो ऑब्वियसली बात है ये भी एल होगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ अगर ये एम है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी एम हो जाएगा। ये अगर एन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी एन हो जाएगा। और ये अगर एल एम एन पी कर देते हैं इसको, ये अगर पी है तो ये भी पी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं अगर यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, है ना, तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू अगर निकालने, भाई पहले मैं आपको एक ट्रेंगल पे वर्कआउट करके दिखा रहा हूँ, फिर बाकी हम सारे ट्रेंगल्स पे ऐसे ही इसको अप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी प्लस एल अगर मैं लेता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। इस हिसाब से ए प्लस बी अकेले की वैल्यू लेना चाहूँ तो 180 माइनस एल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सी प्लस डी पे जाऊँगा तो 180 माइनस एम होगा। अगर मैं ई प्लस एफ पे जाऊँगा तो 180 माइनस एन होगा। और अगर मैं जी प्लस एच पे जाऊँगा तो 180 माइनस पी होगा। अब ये सबका मुझे सम चाहिए जो पूछा है मुझे, तो इसका सबका सम करना है तो इनका सबका सम करना पड़ेगा। तो ये 18 चौक है, मतलब चार बार आया तो 720 हो जाएगा और बाकी आ जाएगा आपका एल प्लस एम प्लस पी प्लस एन। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये 720 है और ये क्या है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है जो कि 360 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जा रहा है, 360 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, 360 पे आप टिक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस में आप केवल जो एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यू कुछ भी दिया हो, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कुछ भी दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ भी दे सकता है आपको, किसी में 30 लिख दिया, किसी में 50 लिख दिया, किसी में तो कुछ भी लिख दे, उस पर आप बच जाइए। आप देख लीजिए अगर इस तरह का कोई शेप आपको मिलता है तो उसका सम जो है वो 360 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 9x+7 upon 2 minus (x-2)/7(36). नॉर्मली जब आप अपने क्लास की नोटबुक में बनाते हैं तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, एलसीएम लेना, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स की एक वैल्यू आएगी, आप चाहें तो उस वैल्यू को निकालने के बाद अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम में अगर आप इतना टाइम देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे एग्ज़ाम के लिए बेटर होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाएं, और ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट ऑप्शन को एक्स की जगह पुट करके देखते हैं। अगर उससे हमारा आंसर मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बी पे जाएंगे, नहीं तो फिर सी पे, नहीं तो फिर डी पे। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, बट आप अपने आंसर को कंपेरेटिवली जल्दी निकाल पाएंगे। और कुछ अगर आपका कैलकुलेशन क्विक है तो आपको टाइम भी कम लगेगा। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए से, तो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाता है 9 9 जा 81 81+7 अपॉन 2, तो इसी स्टेप की वैल्यू हो जाएगी 81+7 88 होगा, 88 अपॉन 2 करूँगा तो ये कुल मिला के 44 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ आगे बढ़ूंगा तो यहाँ 9 पुट करूँगा। अब यहाँ देखो, ये 9 है, ये 9 हो गया है ना, 9 माइनस 2 7 हो गया, 7 अपॉन 7 1 हो गया ये। ठीक है, तो कुल मिला के 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 44 में मुझे 8 माइनस करना है, 14 में 8 गया 6 36, 36 आ भी गया मेरा राइट हैंड साइड। तो मेरा तो पहले ही ऑप्शन में मुझे आंसर मिल गया, तो मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ए पे नहीं आया तो मैं आगे बी पे ट्राई करता, फिर सी पे ट्राई करता, फिर डी पे ट्राई करता। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन के साथ जाएं, कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। इक्वेशन को सॉल्व करना लंबा टाइम देगा, इसलिए बेटर है कि आप ऑप्शन को पिक करें। ये एक आसान से सवाल है और बहुत कहीं पे भी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सारे वैल्यूज आपको गिवन है। आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आपको फार्मूला पता ही है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 × हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपका फार्मूला आपने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे हाफ ही है, हाइट आपका ये दिख रहा है आपको 4 है, 5 को नहीं लेना, ध्यान रखें परपेंडिकुलर आपका 4 है। और सम जो हो जाएगा 11 और 8 19 हो जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर दें, 2 बार 19 दूनी 8, 38 सेंटीमीटर² इसका आंसर होगा। आप देख लें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप टिक लगा दें। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब आपके पास चीज़ें आसान ढंग से अवेलेबल हैं तो आप अननेसेसरीली उसमें कोई ट्रिक या कोई नया मेथड अप्लाई ना करें। सीधे सीधे दिख रहा है आपको, सारे वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, आप पुट कर दीजिए। कंपेरी क्वांटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे देखने से ही लग रहा है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट अप्रोच थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे रहना चाहिए। 200 kg ऑफ सुगर वॉज परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹15 per kg एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर केजी। मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो 105 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डाटा बहुत आसान दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा टाइम लगेगा ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है, तो हम जाते हैं उसी के थ्रू डाटा को प्रॉपरली यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो सीपी आ रहा है वो आ रहा है 200 × 15, मतलब 3000 रुपये का आपका सीपी आ जा रहा है। इसमें प्रॉफिट जो है वो 5% का है। अच्छा, अब प्रॉफिट 5% निकालने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो, किसी भी चीज़ का 10% निकालना सबसे आसान होता है। जैसे 3000 का मैं 10% निकालूंगा तो आसानी से बता दूंगा आपको 300 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि 3000 का 10% निकाल लें, वो हो गया 300। अब फिर इसको आधा कर दें तो 5% आ जाएगा, तो मतलब इसका प्रॉफिट 150 रुपये का होगा। प्रॉफिट 150 रुपये होगा तो एसपी आपका 3150 रुपये का होगा। ये जो सेलिंग प्राइस है ये 200 kg का है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 0 लगा दीजिए तो आपको पर केजी का प्राइस आ जाएगा। एसपी फॉर 1 kg निकालना है आपको, तो आप 3150 को 200 से डिवाइड कर लीजिए। ये तो प्रॉपर मेथड हुआ, और नहीं होगा तो फिर आप अपने शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब 315 को 20 से डिवाइड करना है, तो देखो 1500 फिर 15, तो 15, ये ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है करेक्ट है, 15.75, 15.75 ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
आप चाहें तो डिवाइड कर लें, बट ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास रहते हैं तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करें और क्विकली करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो 18 हो नहीं सकता, 13 बहुत छोटा हो जा रहा है, 31 जाएगा नहीं, तो 15 आ रहा है, 15 के आसपास आ रहा है, तो आप डेसिमल तक के अपने टाइम मत खपाइए, 15.75 पे टिक कर दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो डियर चिल्ड्रन, ये मैंने थोड़ा सा एक एफर्ट लगाया था आपके अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उनको पसंद आएगा, और मिलेंगे फिर नए वीडियो में, आपके साथ कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।